यहाँ पे आप देख सकते हैं हर पत्ते के नीचे एक तोरी आपकी लटकी हुई है। राम राम भाइयों, क्या हालचाल साथियों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने खेत में या घर पे लगी हुई जितनी भी ये क्लाइंबर वाली सब्जियां हैं, जैसे कि घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, ककड़ी, ये सारी सब्जियों के अंदर मात्र एक छोटी सी 3G कटिंग करके 14 गुना प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में हम 3G कटिंग के बारे में और सेम पौधे से 14 गुना प्रोडक्शन लेने के बारे में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, हमारा ये काम पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए फिर आपको दिखाते हैं 3G कटिंग कैसे की जाती है। तो आप पहले तो ये देखिएगा कि 3G कटिंग का मतलब क्या है। 3G कटिंग होता है एक तरीके से फ्रूटिंग बढ़ाने का तरीका। अब आप यहाँ देखिए, ये हमारा तोरी का जो पौधा है, इसके अंदर ये जड़ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो निकल रही है, ये मेन स्टेम है हमारी। ये आ रही यहाँ से यू, ये सारी है हमारी मेन स्टेम जो हमारी यहाँ तक जा रही है। अब इसके अंदर जो हमारी मेन स्टेम है, जो फर्स्ट जनरेशन वाली स्टेम है, उसको हम 1G बोलते हैं। इसी मेन स्टेम से आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ बेल निकल रही हैं, जैसे कि ये जो है हमारा, ये तो पत्ता निकल रहा है लेकिन ये हमारी स्टेम है। ये देख सकते हैं, यहाँ से सिर्फ एक पत्ता बन रहा है लेकिन इसके अंदर पूरी स्टेम बन रही है, और इस स्टेम से आगे हमारे और पत्ते बन रहे हैं। ये देखें, इस स्टेम से सेकेंडरी पत्ता निकल रहा है। तो ये मेन स्टेम से जो निकला हुआ दूसरा स्टेम है, उसे हम 2G बोलते हैं, यानी कि सेकेंड जनरेशन। और हम इस केस के अंदर उसे ही तोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा कोई भी सेकेंडरी ब्रांच नहीं निकल रहा है। अब ये निकलना चालू हो रहा है, पर हम इसको तोड़ देंगे। ये ब्रांच निकल रही है, इसको हम तोड़ देंगे। फिर हम ऊपर चले तो और कोई ब्रांच नहीं निकल रही है। अब हम इसके टॉप पे पहुंच गए हैं। इसके टॉप पे आपको ये दिख रहा होगा, ये करीबन 4 फुट की हमारी बेल हो चुकी है। इसके अंदर 12 से ऊपर पत्ते आ चुके हैं, और इसका जो ये टॉप है, इसको हम पिंच करके तोड़ देंगे। अब फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे आके हमने ख़त्म कर दी, और अब आपको थोड़े टाइम बाद ये दिखेगा, बट आपको मैं लॉजिक बता दूंगा अभी, और फिर बाद में हम आपको वीडियो के माध्यम से इसको रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे। यहाँ से अब हमारी 2 स्टेम निकलेंगी, उसको हम 2G बोलेंगे। उनके अंदर भी हम ये सेम चीज़ करेंगे 2-3 हफ्ते बाद, और फिर वहाँ से 3rd स्टेम निकलेगी, जो 3rd जनरेशन होगी, उसको 3G बोलेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो 1st जनरेशन है, उसके अंदर फीमेल फ्लावर बहुत कम मिलते हैं। फीमेल फ्लावर का रेशो ऑन एवरेज 1:14 होता है, यानी कि इसके अंदर अगर 14 फूल लगे हुए हैं, तो उन 14 में से सिर्फ एक फूल हमारा फीमेल होगा, और मतलब एक फूल में से ही हमारे को तोरी मिलेगी। लेकिन जो 3rd जनरेशन की स्टेम है, उसके अंदर लिटरली सारी की सारी जो हमारी तोरियाँ होंगी, वो फीमेल ही होंगी। वही खुराक, वही सब चीज़ों के अंदर हमारे को 14 से 15 गुना तोरी मिल जाएगी। दिस इज़ द आइडिया अबाउट इट। तो साथियों, अब हमें करीबन 1.5 हफ्ता हो गया है, और आप देख सकते हैं हफ्ते के अंदर ये जो हमारी प्राइमरी स्टेम थी, वो यहाँ पे आई थी, और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको प्रूनिंग कर दिया था, ऊपर से इसका टिप काट दिया था, और यहाँ पे हमने चेपी लगा दी थी, और ये हमारी 1st जनरेशन यानी कि 1G थी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ से 2 निकलेंगी, तो एक ये निकल रही है और एक ये निकल रही है, देख पा रहे हैं, एक ये निकली, एक ये निकली। तो ये 2nd जनरेशन की हमारी स्टेम निकली है, और ये वाली स्टेम हमारी यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ तक जा रही है। वहीं पर ही जो ये वाला हमारा ब्रांच निकला है, ये वाला ब्रांच तो हमारा काफ़ी आगे तक पहुंच गया है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक पहुंच गया है, ये देखिएगा। अब हम इसके अंदर 3G कटिंग करने के लिए जो हमारी 2nd जनरेशन वाली स्टेम आ रही है, उसकी भी टिप को काट देंगे, और यहाँ पे अभी हम चेपी लगा देंगे। सिमिलरली हम इस तरफ भी इसको यहाँ पे बस तोड़ दिया। अब यहाँ से भी हमारे 2 निकलेंगे, जो हमारी 3rd जनरेशन की होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारी प्राइमरी वाली होती है, उसके अंदर फूल तो बहुत आते हैं, ये देखिए कितने फूल आ रहे हैं, ये देखिए
ये देखिए कितने फूल आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई सा भी एक फूल काम का नहीं है। इन द सेंस ये सारे मेल फ्लावर हैं, इनका काम केवल और केवल पॉलिनेशन का है। ये अपना लाइफ हफ्ते का काट के फूल खिलते हैं, हफ्ते बाद फिर ये फूल सारे झड़ जाते हैं। आप ये देख सकते हैं ये कितने फूल यहाँ पे बेचारे झड़े हुए हैं। बहुत से लोग यही मैसेज करते हैं मुझे कि हमारे फूल झड़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो मेल फ्लावर है, उनका काम हो गया पॉलिनेट करने का, अब उनकी लाइफ ख़त्म होगी और वो टूट गए हैं। वहीं आप यहाँ पे आइए, ये देखिएगा, ये जो हमारी सेकंड जनरेशन की है इसके अंदर भी कुछ कुछ फूल हैं, जैसे कि ये आ रहा है फूल, लेकिन अराउंड 50% जो फूल है उनमें तोरी मिलेगी हमें, क्योंकि वो फीमेल फ्रूट है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी क्यारी जा रही, और यहाँ पे आप देखिएगा ये वाली अभी मेरे से तोरी टूट गई दिखाते दिखाते ही। आप ये देखिएगा हर एक डाल पे जो भी फूल निकल रहा है उसके में से आधे फूल फीमेल हैं, जो बाद में हमारी तोरी बन रही है। इसमें आपको मैं और भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा मेल फ्लावर भी आ रहे हैं पर फीमेल फ्लावर भी आ रहे हैं जो हमारी तोरी बन रही है। तो यही फ़ायदा है 3G कटिंग का, और इसका अब मैं अगला अपडेट आपको देता हूँ। हमारी अजम्पशन ये है, जो हमारे पुराने एक्सपेरिमेंट है उसके हिसाब से यही होता है कि जो थर्ड जनरेशन की स्टेम निकलती है उसके अंदर फर्स्ट जनरेशन की स्टेम से 14 गुना ज़्यादा तोरी की प्रोडक्शन मिलती है। तो साथियों आप ये देख सकते हैं ये हमारी अभी कितनी तोरी की प्रोडक्शन चल रही है। सबसे पहले मैं आपको एक बार और गो थ्रू करवाता हूँ। ये हमारी मेन तोरी की बेल थी, जो स्टेम पहली जनरेशन वन थी, ये हमारी जनरेशन वन है। इसको हम बकायदा नीचे के पत्तों को हम ट्रिमिंग करते गए हैं, और आपको याद होगा यहाँ पे हमने टेप बांधी थी और यहाँ पे हमने इसकी कटाई कर दी थी, यहाँ पे हमने इसको टिप तोड़ दी थी। तो यहाँ से हमारी इससे नीचे की जितनी भी बेल हैं ये हमारी सेकेंड जनरेशन की बेल निकल गई, यहाँ से सेकेंड जनरेशन की स्टेम निकल गई, एक स्टेम हमारी सेकेंड जनरेशन की यहाँ से निकल गई। तो हमने तीन सेकेंड जनरेशन की स्टेम छोड़ दी थी, एक ये रही, एक ये रही और एक इस तरफ रही। ये वाली हमारी सेकेंड जनरेशन की जो स्टेम है ये एक इधर चली गई थी, ये आप देख सकते हैं ये पूरे यहाँ तक पहुँच गई है, और एक सेकेंड जनरेशन की जो हमारी स्टेम है वो ये जाके हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक आ गई थी। यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने टेप लगाई थी और यहाँ से हमने ये टिप काट दी थी, ये टिप जो काटी है, और फिर यहाँ से हमारी दो बेलें और निकली थी, एक ऊपर की तरफ ये जा रही और एक बेल हमारी इधर की तरफ नीचे आ गई। अब आप विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जनरेशन वन पे फूल आए हैं बहुत सारे, वो फूल सारे झड़ गए, वो घिया नहीं बन पाए क्योंकि ये सारे मेल फ्लावर थे। तो ये फ्लावर हमारे पोलिनेशन के काम के हैं सिर्फ, इन पे तोरी नहीं बनेगी। जो हमारी सेकेंड जनरेशन है उस पर कुछ तोरी आ रही हैं बट मेल फ्लावर्स भी हैं, तो यहाँ पे हमारा 50-50 तक का रेशियो आ जाता है, आधे फूल मेल हैं आधे फीमेल हैं। ये देखिए ये तोरी चुराने की कोशिश हो रही है, रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है, ले ठीक है ले जा अपना हिस्सा, तोरी बहुत है हमारे पास। अब यहाँ पे जो जनरेशन थ्री है, जो हमने यहाँ पे टिप काटी थी और यहाँ से हमारी एक बेल ये जा रही, एक बेल इधर जा रही, एक बेल नीचे जा रही, इन बेल पे आप आइएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर पत्ते के नीचे एक तोरी आपकी लटकी हुई है, ये देखिएगा, और ये नई भी आ रही है। तो इसमें हर पत्ते के नीचे आपकी तोरी निकल के आ रही है, और स्प्रे ना करने की वजह से आप देख ही सकते हैं ये लेडी बर्ड्स भी कितने अच्छे से आ रखी हैं। और ये देख सकते हैं आप ये जो मधुमक्खी है ये जो आई है ये सिर्फ पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं, जो ये मेल फ्लावर्स हैं इन पे मधुमक्खी आई है, ये यहाँ से पॉलन फीमेल हमारे फ्रूट पे छोड़ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे हर पौधे से हर हफ्ते 1.5 किलो से ज़्यादा की प्रोडक्शन निकल रही है, फ्रूट की क्वालिटी भी एक नंबर है। ये एक हल्का सा ट्यूटोरियल था 3G कटिंग पे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में क्या फ़र्क है, और 3G कटिंग करने से हम फीमेल फ्लावर्स का रेशो बढ़ा देते हैं और इससे हमारे को अच्छी प्रोडक्शन मिल जाती है एक ही पौधे के अंदर, और ये पौधे की मात्र हमारी 40 दिन की ये रिजल्ट है। 40 दिन के अंदर आप देख सकते हैं क्या ग्रोथ है और क्या प्रोडक्शन निकल के आ रही है एक पौधे में से, ये 1.5 किलो हमारा हर दूसरे दिन तुड़वाई हो रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई थी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।